हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी फ्रेश हुई हूँ और मैंने सोचा चलो खाना बना लेते हैं और ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आज संडे था, तो मैंने सोचा चलो एंजॉय करती सुबह। इनको भी छुट्टी थी सुबह, तो इसी वजह से थोड़ा एंजॉय ही हुआ। लेट उठना और लेट, वो आप लोगों को तो पता ही है, मैं मतलब संडे के दिन थोड़ा लेट उठे हैं हम लोग, और वही सारा चल रहा था। तो अभी करती हूँ क्या बोलते हैं, तो डिनर की तैयारी। तो डिनर में आज बनने वाला है चिकन, संडे स्पेशल डिनर, तो वही करती हूँ। और बच्चे पता नहीं अभी खाएंगे या नहीं खाएंगे चिकन, इनसे पूछ रही थी। माही अधिक तो कुछ भी खा लेता है, अधिक का टेंशन नहीं है, बट माही का टेंशन है थोड़ा सा। माही, आप माही ऊपर पढ़ाई करने के लिए गई, तो आप चिकन खाओगी क्या? चिकन खाओगी? नहीं, मुझे पता ही था। तो उसके लिए एग्स बॉईल करने पड़ेंगे। तो अद्विक, आप खाओगे ना? नहीं, अद्विक भी नहीं आज खाने वाला, दीदी की जैसा। और अद्विक ना थोड़ा सा अद्विक, अरे यार वहां पर क्या किया था पापा ने, वो वहां पर अगरबत्ती लगाई थी शायद। अद्विक को थोड़ा फीवर है आज, मतलब क्या बोलते हैं, जुकाम है आज थोड़ा, तो इसी वजह से जुकाम की वो क्या बोलते हैं, तो सिरप दे दिया था उसे, और खांसी भी है थोड़ी, तो इसी वजह से खांसी और जुकाम सारा कुछ एक साथ ही हो गया है उसे, है ना। और तबीयत थोड़ी सी खराब है, बट हो जाएगी ठीक। और ना पिछले बार ऐसे ही हुआ था उसके साथ, जब तबीयत खराब थी तो हम लोग, मैं घबरा जाती हूँ, उसकी थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो जाती है तो मैं हॉस्पिटल लेके जाती हूँ उसे। तो हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर ने बोला था मुझे कि इतना घबराने की जरूरत नहीं है, जुकाम वगैरह होना तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वो जो दवाई दे दी थी तो बोले ये दवाई दे दिया करो, तो इसी वजह से मैं अभी टेंशन नहीं लेती हूँ, नहीं तो मेरा क्या होता था थोड़ा सा भी। ये देखो उसको पढ़ाई भी नहीं, अभ्यास करते दीदी। नहीं, तुझे मना नहीं चलना का? हाँ इकड़े इथे इथे, बस इधर आओ, तुला नहीं बसायचं है? याला 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 बघा। तो इसी वजह से डॉक्टर ने बोला था ना, ये इसको फटाका फोड़ना है, और वो गई है पढ़ाई करने के लिए ऊपर, तो इसी वजह से ये चिल्ला रहा है जोर जोर से। तो अभी तक तो वो फटाके फोड़ रहा था उसके साथ, माही उसके उसको कंपनी दे रही थी, बट अभी वो चली गई है ऊपर। और काय चल चल, ये मजा करिए। हाँ ये ना मग, ये दीदीला मांटे। माही थोड़े फटाके फोड़ लो उसके साथ और फिर चली जाना ऊपर, थोड़े फटाके फोड़ लो उसके साथ फिर चली जाना ऊपर। इसने बंद कर दिया शायद माही को ऊपर। बंद कर दिया क्या आपको? मतलब कहाँ? ओ माय गॉड, इसने देखो गैलरी में माही को बंद कर दिया। बाहर से अगर, ओ सॉरी, चटका अगरबत्ती का। ओ माय गॉड, हाँ हाँ ना, मेरा मतलब ध्यान ही नहीं, चटका। मैं बोल रही थी कि उसके साथ फटाके फोड़ो थोड़े से, और इसने ना माही को बंद कर दिया था ऊपर। तो चलो थोड़े से फटाके फोड़ो उसके साथ, और वो ना गेट बाहर से लगता है तो मतलब बाहर वाले, अगर अंदर से लगाओ तो बाहर वाले उसे खोल नहीं सकते। गैलरी का गेट ये भी एक बार बंद हो गया था, कोई फंक्शन था शायद, हाँ गणपति का खाना था उस दिन, ये बंद हो गया था वहां पे, तो वो पूरा लॉक खोलना पड़ा था और फिर इसको निकालना पड़ा था। और हाँ ये अंदर का भी, ये जो डोर है आगे का वो भी बंद कर दिया था इसने, और अंदर गया था तो वो भी बंद कर दिया था, तो इसी वजह से उसको पूरा लॉक खोल के, और वो क्या बोलते हैं उसे, कुंडी वगैरह खोल के, मतलब पूरी नट वगैरह खोल के उसका निकालना पड़ा था। तो चलो अभी बनाते हैं चिकन, और रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ।
ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो 1 हफ्ते की बना के स्टोर करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर लहसुन छील लिया था और अदरक के छोटे छोटे पीसेस मैं काट रही हूँ ताकि मिक्सी में पीसने के लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो इसी वजह से, और यहाँ पर मैं उसे अच्छे से पीस लूँगी और मैं उससे पहले ना एक बॉयल कर लूँगी। तो ये जो एक बॉयलर है उसका जो वायर है वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है और मेरा जो प्लग है वो ऊपर है इसी वजह से, तो वो वायर वहाँ तक नहीं पुरता है। तो मैं क्या करती हूँ, एक स्टील का कंटेनर लेती हूँ, उस पर वो रखती हूँ और फिर उसमें एक बॉयल करती हूँ और फिर हो जाने के बाद मैं ऐसे कंटेनर निकाल लेती हूँ और फिर उसे नीचे रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 7x इसमें बैठे हैं, तो 7x में बॉईल करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बच्चे जो है चिकन नहीं खाते हैं और माही तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से माही के लिए एग्स बॉईल करना ही पड़ता है। और ठंडियों में एग्स खाना अच्छा भी होता है, ठंडियों में क्या कोई भी सीज़न में एग्स खाना अच्छा होता है, तो इसी वजह से एग्स खाना भी चाहिए। और प्रोटीन, हाई प्रोटीन उसमें मिलता है आपको एग्स में। तो यहाँ पर मैं लहसुन अदरक की पेस्ट निकाल रही हूँ, उसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड किया है, थोड़ा सा तेल इसलिए ऐड किया है कि आप सोचोगे तेल किस लिए ऐड किया है, तो तेल मैंने इसलिए ऐड किया है। तो थोड़ा सा जो धनिया, मतलब जो पेस्ट रहता है तो वो ग्रीन ही रहता है जब तक आप उसे स्टोर करके रखोगे तेल ऐड करने से। उसमें मिर्च डाली है और हरी मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसमें ऐड किया है जीरा थोड़ा सा, और इसमें मैं ग्राइंड कर लूँगी। और तेल आप ऐड करके देखना, मतलब आपको पता चलेगा कि तेल ऐड करने से जो पेस्ट है आपका ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, नहीं तो आपका जो पेस्ट है वो ब्लैक हो जाता है कुछ दिनों के बाद, मतलब फ्रिज में भी स्टोर करते हो तो भी ब्लैक हो जाता है। तो ये एक ट्रिक ट्राई करके देखना आप, तो आपका जो पेस्ट है वो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। और यहाँ पर मेरे एग्स भी बॉईल हो रहे थे, तो 10 मिनट के बाद जब एग्स बॉईल हो जाते हैं तो एक बॉयलर ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, तो मैं ये स्टोर करके फ्रिज में अभी रख दूँगी जो मेरा बाकी का है, और थोड़ा सा उसमें जो पेस्ट था तो उसमें मैं मसाला पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो सारे मसाले हैं वो भून के रख दिए। यहाँ पर ये जो है वो क्या बोलते हैं उसे, तरबूज की बीज है, और यहाँ पर खड़े मसाले हैं, और ये तेज पत्ता है, प्याज है, भून के रख दिया है, और ये जो नारियल के पीसेस काट के वो भी भून के रख दिया है, अच्छे से ब्राउन करके भून के रख दिया है। तो अब मैं इन सारे मसालों को साथ में ही पीस लूँगी। कोई कोई क्या करता है कि अलग अलग पीसता है, प्याज को अलग पीसता है, नारियल के वो उसके अलग पीसता है, और ये क्या बोलते हैं तो खड़े मसालों को अलग पीसता है, बट मैं वैसे नहीं करती हूँ, मैं एक साथ ही पीस लेती हूँ, पूरा पेस्ट बना लेती हूँ और उसको ही अच्छे से भूनती हूँ तेल में। फिर तो इस तरह से मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और ना, मतलब उसमें थोड़ा सा तेल ऐड करना है, जितना आपको तेल चाहिए उतना ऐड कर सकते हो, मतलब मैं थोड़ा सा कम ही ऐड करती हूँ ताकि मतलब मैं ना, मुझे भी ज़्यादा तेल वाली चीज़ें पसंद नहीं है और ज़्यादा तेल खाना भी नहीं चाहिए, बट कभी कभी घर पे गेस्ट आ जाते हैं ना तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, क्योंकि उनको तेल की आदत होती है, मतलब ज़्यादा तेल की, और इसी वजह से हम लोगों को नहीं है, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा ही घर पे अगर बनाती हूँ तो घर के लिए बनाती हूँ तो थोड़ा सा कम ही तेल ऐड करती हूँ। और पहले तेज़पत्ता मैंने ऐड किया है उसमें, और फिर जो मसाले हैं वो सारे मसाले मैंने उसमें ऐड कर दिया है, जो पीसे हुआ मसाला हमारा वो ऐड कर दिया है, और उसे अच्छे से चला लेना है ताकि वो अच्छे से, मतलब तेल छोड़ने लगे तब तक आपको चलाना है इसे। और यहाँ पर मैं टमाटर का पेस्ट भी बना लूँगी साथ में, टमाटर का पेस्ट हमें लास्ट में ऐड करना है। यहाँ पर मेरा टमाटो का पेस्ट भी बन चुका है, तो इसे मैं अच्छे से चला लूँगी। जब तक थोड़ा सा कम तेल लग रहा था मुझे मसाले के अकॉर्डिंग, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है ताकि थोड़ा सा तो ऊपर आए, मतलब दिखने में तो थोड़ा सा अच्छा दिखे इसी वजह से। और यहाँ पर थोड़ा सा मैरिनेट कर दिया था इसको, क्या बोलते हैं चिकन को, थोड़ा सा हल्दी, नमक और क्या मिर्च पाउडर थोड़ा सा लगा के उसे रख दिया था। और इसे इसमें थोड़ा सा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़्यादा ऐड करना, मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है, इसी वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। बड़ा सा चम्मच जो होता है वो ऐड करना है आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मेरा मसाला भून रहा था तो मैंने साइड में पानी भी डाल दिया, मतलब वो करने के लिए, बॉईल होने के लिए, ताकि हमें गर्म पानी चाहिए होगा इसमें डालने के लिए। तो यहाँ पर मैं मसाला भून रहा है, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एवरेस्ट का चिकन मसाला,
आप लोगों को पता ही है मैं एवरेस्ट का चिकन मसाला यूज़ करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एवरेस्ट का चिकन मसाला पसंद है। एक्चुअली एवरेस्ट के जो मसाले होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसी वजह से मैं एवरेस्ट के ज़्यादा मसाले यूज़ करती हूँ। बट अब मेरा पहले ख़त्म हो गया था, तो इसी वजह से इस बार डिमांड गई थी, तो एवरेस्ट का मसाला लेके आई हूँ। और यहाँ पर उसके बाद मैं जो सारे मसाले ऐड हो जाने के बाद, मतलब सारे सारे मसाले मैंने ऐड नहीं किए हैं, सारे मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी, चिकन मसाला ही मैंने ऐड किया है। और उसके बाद मैं ये टोमेटो का पेस्ट ऐड करूँगी और टोमेटो का पेस्ट अच्छे से भून लूँगी। तो इसको भी अच्छे से भून लेने के बाद, मतलब तेल छोड़ने के बाद ये वाला मसाला, तो उसके बाद आपको स्पाइसेस ऐड करने हैं, जो भी स्पाइसेस आप ऐड करते हो, तो मतलब जो नमक मिर्च वगैरह जो होता है वो ऐड करना है आपको बाद में। तो पहले मसाला अच्छे से भून लेना है ताकि टोमेटो भी अच्छे से भून जाए और उसका तेल छोड़ने लगे। तो आप देख सकते हो मसाला तेल छोड़ने लगा है, तो मिर्च पाउडर आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है, हल्दी पाउडर ऐड करना है, धनिया पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करना है, और इसे भी अच्छे से थोड़ा देर होने देना है, भून लेना है। और उधर मेरा पानी भी बॉईल हो गया था, तो मैं उसमें चिकन ऐड कर दूंगी मसालों में, और उसके बाद पानी ऐड कर देना है हमें, और लास्ट में आपको नमक ऐड करना है मसाले में। तो इस तरह से आपका मसाला रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा नमक मेरा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने नमक निकाल लिया था, क्योंकि ना इसमें भी हम लोग मैरिनेट करने के लिए नमक मैंने डाल दिया था, तो इसी वजह से मैंने वो नमक थोड़ा सा निकाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए इसी वजह से। और फिर इसके बाद ना पानी ऐड कर दूँगी सारे चिकन में, और चिकन बॉईल करने के लिए रख दूंगी, मतलब चिकन बॉईल होने के लिए, क्योंकि मैंने इसमें कच्चा ही चिकन ऐड किया है, तो चिकन इसी में मसाले में जब हो जाएगा ना, तो अगर मसाले में आप चिकन पकाते हो ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कोई कोई क्या करता है, पहले चिकन पका लेता है, मतलब या तो कुकर में चिकन को विजल लगा देता है, नहीं तो फिर कोई भी पतीले में चिकन पका लेता है, उसके बाद वो बनाते हैं। तो इस तरह से मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे चिकन पसंद नहीं है। मुझे ना मसालों में हुआ हुआ चिकन पसंद है, क्योंकि इसकी टेस्ट अलग ही आती है। जब मसालों में चिकन पकता है ना, तो इसकी टेस्ट एक अलग ही टेस्ट आती है उसकी। और वैसे आपके बना के देखना, मतलब दोनों तरह से बना के देखना, आपको कौन सी टेस्ट अच्छी लगेगी आपको ही पता चलेगा। और यहाँ पर मैं कुकर में ही आज चावल लगाने वाली हूँ, नहीं तो मैं जीरा राइस वैसे बनाती हूँ आपको तो पता ही है, बट आज ना थोड़ा सा टाइम कम था, तो इसी वजह से मैं जीरा राइस इस तरह से बना रही हूँ। और मैंने राइस धो लिए है और थोड़ा सा पानी कम ऐड किया है, ताकि जीरा राइस जो है वो खुले खुले बने, और उसमें तेल ज़्यादा ऐड करना है और जीरा थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, और नमक ऐड करके इसमें पूरा घोल लेना है, और उसको मतलब गैस पे रख देना है, सॉरी। और इस तरह से मैं इधर चेक भी करती जा रही थी बार बार कि चिकन पका है या नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर चिकन जो है हमारा रेडी हो चुका था, पक चुका था। तो इसमें मैं धनिया पत्ता उसके बाद ऐड करूँगी, और यहाँ पर आप देख सकते हो चिकन कितना ज़्यादा मतलब टेस्टी दिख रहा है। टेस्टी तो बना ही था, बट दिख कितना ज़्यादा टेस्टी रहा है आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं धनिया पत्ता उसमें गार्निशिंग के लिए डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा चावल भी बन चुका था, तो मैं इसे खुला कर दूँगी कि ताकि ये चिपके ना। तो इस तरह से मैं खुला करूँगी, तो जीरा भी अलग अलग से हो जाएगा, और मतलब ये चावल चिपकेगा भी नहीं, तो थोड़ा सा खुला खुला सा बन जाएगा। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन चुकी थी, और उसके बाद मैंने मतलब इन्होंने मुझे सलाद बना के दे दिया था, इनको सलाद बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और सलाद खाना मुझे पसंद है, तो ये सलाद बनाते हैं हमारे लिए। और यहाँ पर हम लोग खाने के लिए बैठ गए थे, श्रीकांत का ही वेट कर रहे थे। एक्चुअली श्रीकांत बहुत लेट आया था, उसको कॉल कर कर करके परेशान हो गए थे। तो इस तरह से हम संडे बनाते हैं हमारा, तो इसी तरह से संडे स्पेशल डिनर होता है, और उसके बाद इस तरह से हम लोग सारी फैमिली मिलके ऐसे खाना खाती है। हॉल में ही बैठते हैं हम, ऐसे नीचे बैठते हैं, तो नीचे खाने का मज़ा ही कुछ और है फैमिली के साथ। तो इसी तरह से फिर बातें भी चल रही थी हमारी। एक इस तरह से संडे ही मिलता है हम लोगों को कि ज़्यादा मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छे से एक दूसरे के साथ, तो इसी वजह से हम लोग ऐसे बैठते हैं साथ में खाना खाते हैं, और रात का ही टाइम मिलता है तो रात को हम लोग इस तरह से खाना खाते हैं। और इनका ना इनका ये नहीं है, मतलब ड्यूटी का फिक्स नहीं है कि संडे के दिन ड्यूटी नहीं रहेगी, तो इसके बाद इनको ड्यूटी भी जाना है। संडे के दिन रात को ड्यूटी थी इनकी, तो रात को 11 बजे के बाद इनको ड्यूटी भी जाना है, तो इसी वजह से हम लोग साथ में खाना खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे खाने को। खाना हो चुका है और चिकन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। एक्चुअली ये बोलते हैं जब भी मैं चिकन बनाती हूँ तो टेस्टी बनाती हूँ, मतलब टेस्टी बनता है जब भी मैं चिकन बनाती हूँ। और वो चिकन बनाने जाते हैं ना, पता नहीं वो अच्छा करने के चक्कर में ना वो उनसे पता नहीं कैसे बिगड़ जाता है, तो चिकन उनसे बिगड़ ही जाता है हमेशा, तो ऐसा करके। और हाँ,
मैं यहाँ पर आई थी और चेक करने के लिए, ऊपर आई थी वीडियो चेक करने के लिए। तो आज संडे है तो संडे की वजह से नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है यहाँ का। तो संडे के दिन पिछले संडे मतलब एक संडे में आपको पता ही है कि मैंने सोचा था कि लाइव आऊँगी, बट लाइव आना नहीं हुआ था नेटवर्क के चक्कर में। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर चेक करने के लिए आई थी कि वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। अभी बज रहे हैं 9:30 और अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, इसी वजह से मेरे वीडियोज़ ना अभी लेट जा रहा है। मतलब दोपहर में डाल रही हूँ मैं अपलोडिंग के लिए, तो अभी तक अपलोड नहीं होते हैं। मतलब 9:30 बज रहे हैं अभी, दोपहर में मैंने डाला था 1 या 1:30 बजे, तो वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ और ये मेरे पीछे आ गया है अद्विक हेयर स्टाइल मटक रहा है। ऐसे पापा को ड्यूटी जाना है, इसी वजह से क्यों आ गई लिए चपटे नको करत जाऊ ना केस, मला नाही आवडत ना तुझे चपटे केस। तो हो गया है, बस बर्तन क्लीन करना बाकी है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। हाँ, आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। कर दो बाय, कर दो ना, बाय एवरीवन। क्या खाया आपने? शो, हाँ बाय एवरीवन, बोलो बोलो, नहीं बाय एवरीवन। अद्वि को नाक से सांस लेने नहीं आ रही है। हाँ, मुंह से सांस ले रहा है अद्वि। अभी विक्सी विक्सी लगा देती हूँ अद्विक को। नहीं अद्विक को पेपर अप लगा देती हूँ, नहीं वो आपके पसंद वाला मामा हाथ का। नहीं हाँ? नहीं चलो नहीं बाय बाय।